सिबेल साहिबा जी। हेलो, मैं तेव। एक्चुअली मैं एक लॉयर के साथ काम करता हूँ और मुझे आपके एक दोस्त के बारे में कुछ सवालात करने हैं। कौन सी मेरी दोस्त? वो बात कुछ डिटेल में है, तो अगर कहीं बैठकर बात कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। कौन हो तुम? देखिए, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, परेशान मत हो। रुकिए, बरे साहब, आपने कहा कि आप एतराफ करना चाहते हैं। ऐसे ही है। कहीं मुझे ये तो नहीं कहने वाले कि मेरे लिए जज्बात रखते हैं? नहीं, कहा काश ऐसा हो सकता है। ऐसा क्या नहीं हो सकता? क्या हम थोड़ी सुकून से बात कर लें पहले असली? हाँ ठीक है, तो किस बारे में? तुम्हारी फैमिली के बारे में। तुम्हारी अम्मी शायद परेशान हो और नाराज हो क्योंकि तुमने उनसे झूठ बोला। हाँ लेकिन अम्मी। हाँ लेकिन तुम्हारी बुरी नीयत नहीं थी, मैं जानता हूं ये बात। असली ठीक है, जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाता कि तुम काम पे रुक रही हो तब तक उन्हें बताना नहीं चाहती थी ताकि वो परेशान ना हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ समझ सकता हूं मैं। बाज़ औक़ात इंसान की किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलने की मजबूरी हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है ना? सही कहा ना? देखिए, अगर ये बात कोई और ना बताता तो ये मसला नहीं बन सकता था। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उन्हें किसी और से पता चला? जी हाँ, और उसके बाद मेरी अम्मी उदास हो गई बहुत। इसलिए बेहतर होता कि इंसान सब कुछ खुद ही बता दे। जी लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। कुछ हो भी सकता है ऐसा। बड़े साहब, क्या इसका जो आप कहने वाले हैं उससे कोई ताल्लुक है क्या? हर चीज का कोई ना कोई ताल्लुक तो होता है। अपने आप को जरा अपनी अम्मी की जगह पर रख के देखो, अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ होता कैसा लगता बताओ? हाँ ठीक कहा, मैं भी नाराज होती शायद। क्या माफ कर देती उनको? क्या तुम उनको समझाती कि ठीक है बुरी नीयत नहीं थी, बस ऐसा करने पर मजबूर हो गई थी? हाँ बिल्कुल, मैं समझ जाती। वैसे भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यही छुपाया कि ड्राइवर हूं मैं। मैंने किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। बरेश, क्या हुआ थियो? जल्दी आओ, तुम्हारे लिए गाड़ी में एक सरप्राइज है। खोलो, बाहर निकालो मुझे। सिबेल है क्या वो? ये तुमने क्या किया है यार? इसने बात करने से इंकार कर दिया था और भागने की कोशिश कर रही थी, तो सोचा इसे उठाकर तुम्हारे पास लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? ये जुर्म है, जानते हो? जुर्म है तो मैंने जुर्म किया ना, तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं। कैसे मेरा ताल्लुक नहीं है कोई? यार देखो, मैं इसे ले आया हूं, अभी इन सारी बातों को छोड़ो, इस मसले को हल करते हैं। सिबेल, देखो डरो नहीं तुम, ठीक है? ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अच्छे लोग हैं ये। तुम ये क्या बात कर रही हो? जाहिर है तुम अपने आशिक को बचाओगी। कौन है मेरा आशिक? कौन? ओ, मेरा आशिक। अगर वो मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवा भी देगी तो तुम मुझे बचा लोगे ना? आखिर तुम कर क्या रहे हो? हम किसी को अगवा कर रहे हैं? देखो बात बहुत बढ़ गई है, तुम अभी इसको छोड़कर आओगे? ओके, देखो असली को मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इस्तखासा का ऑफिस जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जा रहे बरेश, इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम? समझा नहीं मैं। देखो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उस लड़की को ढूंढ कर रहूंगा और जब तक मुझे उस लड़की का नाम नहीं पता चल जाता मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। तो ठीक ही तो कहा है उसने। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। वो समझती है कि मैं सब कुछ बगैर किसी मुफाद के कर रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ खुद को बचाने के लिए है। इस झूठ को जानते हुए मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख सकता और ना ही कुछ कर सकता हूं मजीद। ठीक है, जो करना है करो, सिर्फ उसे आंखें मिलाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दो।
तुम क्या कहते हो? हाँ क्या करूं मैं यार? देखो मेरा यही मशवरा होगा, मुझे एक दफा उस लड़की को ढूंढ लेने दो जिसने उस बेचारी बच्ची को मारा। उसके बाद हम उसे असली के सामने ले आएंगे और उसको सारा सच बता देंगे, फिर उसे जो फैसला करना होगा कर सकती है। देखो वो नीले फरिश्ते नाम वाली लड़की चोर है, उसने और भी बहुत से बुरे काम किए हैं। यार तुम उससे डर क्यों रही हो? इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, बस उसका नाम बता दो तुम हमें। आप उसे नहीं जाने देंगे ना? हमारी इतनी सारी मेहनत को जाया मत जाने दें। जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने पहले की थी। हाँ क्या बात है तुम्हारी, यही समझाना चाह रहा हूँ मैं कब से। लेकिन जो है वो है बरिस्टर, उन लोगों ने हमें खंडरों में रखा था। इसलिए हम वकील हैं और वो लोग मुजरिम हैं। हाँ टियोस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो आराम से बैठकर बात करेगा उसे, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत प्यार से बात करूंगा उससे, बस मामला सुलझाने के लिए और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से अगर लड़की से ठीक से बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो हमें सब कुछ बता देगी, कुछ नहीं छुपाएगी। तुम उसे कुछ घंटों के लिए रख सकते हो, ओके? अगर कुछ ना बताए तो उसे छोड़ दोगे। ठीक है बरिश, डील डन, मैं सब संभाल लूंगा। चलो मेरे साथ। बरिश सर, आप कुछ कह रहे थे, वो तो वहीं रह गया। हाँ उस पर हम बाद में बात करेंगे, तब तक अपने घर वालों से मामला ठीक करने की कोशिश करो तुम। आपने कहा था कोई एतराफ करेंगे आप। एस्ली, मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे। ओफ, ये कहां से आ गई? हेलो सेना, वो काम आज था है ना? आई एम सॉरी मैं भूल गया। मुझसे क्या एतराफ कर सकते हैं ये? जो मैं सोच रही हूँ कहीं वैसा तो नहीं है? नहीं वो नहीं हो सकता, उसके अलावा क्या हो सकता है? उफ यार तुम भी सही वक्त पे आए होती हो। हमें अभी और इसी वक्त घर जाना होगा। मैंने इंटरव्यू देने का वादा किया था और सहाफी घर पहुंच चुके हैं, चलो जल्दी। हाँ ठीक है बरी साहब। चलो अब तुमसे कुछ देर सुकून से बात हो जाए, क्या ख्याल है? मेरे पास बात करने को कुछ नहीं। देखो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस एक छोटी सी बोट राइड साथ लेंगे। इधर आओ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, जल्दी आओ।